हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम पढ़ने वाले हैं आमेर के कछवाहा राजवंश और इस वंश के सभी प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कछवाहा जो थे वो अपने आप को राम के बड़े पुत्र कुश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं? राम के बड़े पुत्र कुश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। वहीं पर जो सूर्यमल मिश्रण थे उनका कहना था कि ये जो है कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतान होने से ये क्या कहलाए थे, पहले कुर्मवंशीय कहलाए थे, ठीक है। और साधारण अर्थ में जो है ये कुर्मवंशीय ही बाद में जो है वो कछवाहा कहे जाने लगे। ये कछवाहा जो थे वो चौहानों के सामंत थे। बाद में जो है इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो है ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य ये लोग स्थापित करते हैं। ढूंढाड़ में उस वक्त यहाँ पर मीणा थे, बट गुर्जर थे, उनको इन्होंने हराया और यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की। और यहाँ दौसा को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाते हैं। बाद में कोकिल देव आते हैं और आमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। इनकी जो कुल देवी है वो कौन है? जमुआ माता। और दूल्हे राय जिनको स्थापनकर्ता मानते हैं, संस्थापक मानते हैं आमेर के कछवाहा राजवंश का, इन्होंने सबसे पहले मंदिर बनवाया रामगढ़ में जमुआ माता का। तो इनकी कुल देवी जो है वो कौन है? जमुआ माता। इनकी जो आराध्य देवी हैं वो है शीला देवी। तो ये शीला देवी जो हैं राजा मान सिंह जो हैं आमेर के, जो कि शीला देवी की मूर्ति बंगाल से लेकर आते हैं और आमेर में स्थापित करवाते हैं। तो आराध्य देवी कौन है? शीला देवी, आमेर की कछवाहा राजवंश की। और कुल देवी कौन है? जमुआ माता। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, सभी याद रखनी है। तो कछवाहा वंश से पहले जो है यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ पर ये कछवाहा वंश की स्थापना होती है, ढूंढाड़ क्षेत्र में मीणा और बड़ गुर्जरों का शासन रहा था, ठीक है। इनको हराया था दूल्हे राय ने। तो संस्थापक किसको कहा जाता है कछवाहा राजवंश का? दूल्हे राय को। दूल्हे राय जो कि दूल्हे की तरह हमेशा सजे धजे रहते थे, तो इसीलिए इनका नाम दूल्हे राय पड़ा था। इनका जो वास्तविक नाम था वो था तेजकरण, ठीक है। तो दूल्हे राय इन्होंने दौसा के बड़ गुर्जरों को हराकर दौसा को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। तो इसीलिए कछवाहों की जो है प्रथम राजधानी कौन सी रही? दौसा रही। उसके बाद दूल्हे राय ने जयपुर में जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को हराया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना है, बड़ गुर्जरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बनाते हैं दूल्हे राय, और मीणाओं को हराकर जमुआ रामगढ़ जो है जीत कर यहाँ पर उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। तो प्रथम राजधानी जो वो कछवाहों की वो है दौसा, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो शासक आते हैं तेजकरण के बाद, कोकिल देव। तो 1207 ईस्वी में आमेर के ये मीणाओं को हराते हैं और आमेर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो कई बच्चे जो है वो दूल्हे राय कर देते हैं, जहाँ गलत हो जाता है। दूल्हे राय ने अपनी पहली राजधानी जो है वो दौसा को बनाया था। दूसरी राजधानी जो है कछवाहों की रही थी आमेर, जिसे बनाया कोकिल देव ने मीणाओं को हरा कर। नोट में देखिए कि आमेर जो है वो 1207 से 1727 तक राजधानी रही, ठीक है। इससे पहले जो है राजधानी क्या रही थी? दौसा रही थी। दौसा के बाद आमेर बनती है और उसके बाद में 1727 में जयपुर जो है वो राजधानी बनेगी। कोकिल देव ने आम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। कोकिल देव के बाद हैं पृथ्वीराज कछवाहा। तो याद रखिए, खानवा के युद्ध में पाती पेरवन पद्धति के द्वारा राणा सांगा की तरफ से जो है ये लड़े थे और मारे गए थे। इनके समय जो आमेर है वो 12 कोठड़ी नाम से प्रसिद्ध था, पृथ्वीराज कछवाहा के समय। और इनके समय में जो कृष्णदास पहरी हैं, इन्होंने गलता में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। अगले हैं रतन सिंह कछवाहा। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकारते हैं, तो ये पूछा भी नहीं जाता है रतन सिंह कछवाहा के बारे में। लेकिन हो सकता है कि आमेर के कछवाहा राजवंश का यदि पूछ लिया जाए क्रम, तो आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है राजा भारमल। राजा भारमल जो हैं ये बहुत ही मुश्किल से जो हैं आमेर के शासक बनते हैं। यहाँ पर ये बहुत कमजोर शासक रहे थे स्टार्टिंग में, तो अकबर की अधीनता जो है जब ये स्वीकारते हैं तो इनको मजबूती मिल जाती है, इनको सहारा मिल जाता है। तो भारमल जो हैं वो मुगल अधीनता स्वीकार करने पहले राजपूत राजा भी रहे थे आमेर के, जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और भारमल जो हैं
अकबर के साथ जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। शासन काल इनका रहा है 1547 से 1573 ईस्वी तक। इनका उपनाम था बिहारी मल। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले ये पहले राजपूत शासक रहे थे। अकबर से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो अकबर ने जो है इन्हें 5,000 मनसबदार बनाया था और उसके साथ अमीर उल उमरा की उपाधि इनको प्रदान की थी। तो राजा भारमल के जो पुत्र था उसका नाम था भगवंत दास, जिनको हम भगवान दास भी कहते हैं, ठीक है। तो 1573 के लगभग जो है वो भगवान दास आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। अभी आमेर ही राजधानी चल रही है भारमल के भी समय में और भगवान दास के समय में भी। पुत्री है भारमल की हरकाबाई, मरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विवाह किया इनका अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को, ठीक है। और अकबर और हरकाबाई का जो पुत्र था वह था जहांगीर, याद आपको रखना है। भारमल के जो पोते थे यानी भगवंत दास के जो बेटे थे मान सिंह, तो यहाँ पर भारमल, भगवंत दास और मान सिंह ये तीनों ही अकबर की जो है सेवा में रहे। ध्यान रखना है मान सिंह का समय जो है वो काफी रहा अकबर के समय, ठीक है। मुगल अधीनता की जो है, जब इनके जो दादाजी थे भारमल, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी तभी जो है ये इनको दरबार में ले गए थे, यानी बहुत कम उम्र में जो है मुगल दरबार में गए थे राजा मान सिंह। प्रथम मुगल राजपूत विवाह जो है इसको कहा जाता है। 1562 में सांबर में ही भगवान दास और मानसिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकारी थी। विवाह के उपरांत भगवान दास और मानसिंह अकबर की सेवा में गए थे। अब सोचिए मानसिंह उस वक्त जो है बहुत ही कम उम्र के होंगे, ठीक है, लगभग 11-12 उम्र की आप समझिए इनको, तो कितनी छोटी उम्र में ही ये चले गए थे। और सबसे ज्यादा कहते हैं कि मुगलों की सेवा में रहे। भारमल ने आमेर में जामा मस्जिद बनवाई थी, याद रखिएगा। नोट में देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है मुगल अधीनता किस किसने स्वीकारी थी सबसे पहले, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है और 1 मार्क्स आपका ऐसे ही चला जाएगा यदि आपको नहीं याद होगा। तो मुगल अधीनता जो है स्वीकारी है प्रथम राजपूत शासक बीकानेर के रहे हैं कल्याण बल राठौड़ रहे हैं, राय सिंह के पापा। मेवाड़ में देखिए अमर सिंह प्रथम रहे हैं महाराणा प्रताप के बेटे, ठीक है। और अमर सिंह प्रथम जो कि अपने जो पुत्र हैं कर्ण सिंह, तो उनके दबाव में आकर अधीनता स्वीकार करते हैं। मैंने आपको मेवाड़ भी समझा दिया, बीकानेर भी समझा दिया था, ठीक है। जोधपुर में उदय सिंह जो हैं ये करते हैं, मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जिनको हम जानते हैं, मोटा राजा की उपाधि भी अकबर इनको देते हैं। जैसलमेर जो है यहाँ से हर्राय भाटी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकारते हैं। तो याद रखिएगा कल्याणमल बीकानेर के, अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह और जैसलमेर के हर्राय भाटी और आमेर के राजा भारमल, तो ये सभी मुगल की अधीनता स्वीकार करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट देखें भगवान दास, जिनको भगवान दास भी कहा जाता है, 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठते हैं और ये जो हैं सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो ये जो है 7 साल तक तो पंजाब के सूबेदार रहे थे भगवान दास, ठीक है, भगवंत दास, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो है 1585 के लगभग जो है अपनी पुत्री मानवाई का विवाह जो है वो करते हैं जहांगीर से, और पुत्र जो है कौन होता है, खुसरो यहाँ पर होता है। तो मुगल राजपूत जो विवाह है वो प्रारंभ किसने किया, भारमल ने, ठीक है। और उनके बेटे जो भगवान दास हैं उन्होंने भी ये क्रम बनाए रखा, इन्होंने भी अपनी पुत्री मानवाई का विवाह जो है वो जहांगीर से किया, यानी एक ही घर में जो है वो बुआ भतीजी आ गई, ठीक है। मानवाई को जहांगीर ने सुल्तानिसा की उपाधि दी और 1589 में लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी, लाहौर में। क्यों लिखा है मैंने लाहौर, क्योंकि आप जो है वो सोच सकते हैं कि आमेर के शासक थे, आमेर में है, इनकी मृत्यु हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर में हुई थी। दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से जो है वो मुलाकात भगवंत दास के कहने पर की थी, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि अकबर से मुलाकात जो है वो किसके कहने पर की थी। दादू दयाल ने जो है वो फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात जो है वो भगवान दास के कहने पर की थी। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो है इनको तीसरे मंडल में भेजा था, तो मैंने आपको यहाँ ट्रिक भी बताई थी, जमा भटो, ठीक है। सबसे पहले जो है वो अकबर भेजते हैं यहाँ पर जलाल खां को, फिर मानसिंह को भेजते हैं, फिर भगवान दास को, और उसके बाद टोडरमल को भेजते हैं। तो महाराणा प्रताप को जो है अकबर ने
महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो है तीसरे मंडल में किसको भेजा? पहले तीसरे में भगवान दास को भेजा, भगवान दास को भेजा। मानसिंह को जो है वो दूसरे में भेजते हैं, और मानसिंह कौन है? इन्हीं भगवान दास के बेटे हैं। ठीक है, भगवान दास जो है वो 7 साल तक जो है वो पंजाब के सूबेदार भी रहे थे, क्योंकि जब जो है सरनल के युद्ध में ये जीत जाते हैं तो इनको पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है। नेक्स्ट शासक हैं राजा मान सिंह। 1589 से 1614 ईस्वी तक इनका शासन का समय रहा है। भगवान दास जो हैं इनके पिता थे, ठीक है, और भारमल उनके दादाजी थे। तो मान सिंह जिनका जन्म जो है कहाँ होता है? जयपुर में होता है, मोजामाबाद में, 1550 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, छोटी उम्र में ही राजा मान सिंह मुगल दरबार में चले गए थे। अकबर और जहांगीर की सेवा में ये रहे थे, याद रखना है आपको। और इनके कई अभियान जो कि जहांगीर के द्वारा इनको दक्षिण अभियान में भी भेजा जाता है, ठीक है, बंगाल में भी, बिहार में भी। तो ये सभी बातें हम करेंगे डिटेल में, क्योंकि राजा मानसिंह का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न जो है वो आ ही जाता है एग्जाम में, क्योंकि सर्वाधिक शासन काल रहा है इनका मुगल सेवा में, तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजा मानसिंह को, तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।